खबर राजधानी जयपुर से आ रही है, जहां पर अवैध निर्माण को लेकर के जेडी नतमस्तक हो चुका है। आखिरकार जोन प्रवर्तन अधिकारी क्यों नहीं कर पा रहे हैं कार्रवाई, बार बार कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं जोन डीसी, तो वहीं इसके बावजूद लगातार जारी है अवैध निर्माण। आखिरकार दो मंजिल के बाद भी कैसी परमिशन दी गई, अवैध निर्माणकर्ता के द्वारा जीरो साइड बैक पर निर्माण भी किया जा रहा है, लेकिन जेडीए जोन 8 का यह मामला बताया जा रहा है और विधानसभा नगर एफ ब्लॉक 54 का यह मामला है। वहीं अपने रसूख का फायदा उठा रहा है निर्माणकर्ता, साथ ही साथ अवैध निर्माणकर्ता पर आखिर कब होगी कार्रवाई, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जोन 8 के डीसी शेर सिंह लोहाड़िया जी भी जुड़ चुके हैं। सर, ये आपके जोन के अंदर विधानसभा नगर में एफ ब्लॉक में एक निर्माण किया जा रहा है, प्लॉट नंबर 54 के ऊपर जो ये निर्माण है, ये अवैध रूप से किया जा रहा है, और जब इसकी जानकारी दी जाती है जोन प्रवर्तन अधिकारी को रोहित श्रीवास्तव जी को, तो उनका कहना रहता है कि इस मामले के अंतर्गत परमिशन दे सकते। तो मेरा कहना यह है सर कि इसमें अगर परमिशन दे रखी है तो इस मामले में भी परमिशन किस प्रकार से दी गई है, क्योंकि जो परमिशन के अंदर बिंदु दे रखे हैं उस बिंदुओं की पालना नहीं की जा रही है। तो आप, मैं आपको रघुवीर सैनी जी के नंबर नोट करा रहा हूँ। सर, मेरी लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी, आपने रघुवीर सैनी जी के नंबर दिए थे मेरे को, मैं आपको बताऊँ। लेकिन इसमें क्या रहता है कि सर, ये जो परमिशन दी जाती है डीसी के द्वारा दी जाती है, तो इसमें अगर कोई भी परमिशन की अगर पालना नहीं की जाती है तो डीसी के द्वारा उसको रद्द भी कर दिया जाता है। हाँ हाँ, तो पर वो उसकी कार्रवाई तो वहाँ से होगी ना। अच्छा, कार्रवाई मैं वैसे आज चेन्नई हूँ, मैं आज ऑफिस में हूँ नहीं जी। ठीक है, आप ये है चाहो तो नंबर आपके पास है तो एक बार दोबारा उनको नोट कराओ। हाँ जी, है ना, पालना नहीं हो रही होगी तो रुकवा देंगे वो। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही, बने रहिए न्यूज़19 के साथ। नमस्कार।